हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रूपल और एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है रूपल्स किचन में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं मलाई कुल्फी की रेसिपी। बहुत टेस्टी कुल्फी लगती है ये और ये बनाना भी बहुत आसान है। देखिए, एकदम दानेदार और क्रीमी कुल्फी बनके तैयार हुई है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। कुल्फी बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में या तबेली में हम दूध ले लेंगे। ये मैं 1 लीटर दूध की कुल्फी बना रही हूँ और यहाँ पर मैंने फुल फैट मिल्क लिया है। आप चाहे तो जो भी दूध अवेलेबल हो आपके पास, आप वो दूध यूज़ कर सकते हैं। फुल फैट मिल्क में थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में कुल्फी बन के तैयार होगी। तो ये दूध हमने ले लिया है और इसे अब हम गर्म करने के लिए रख देंगे। दूध गर्म होने लग गया और इसमें उबाल आने लग गया है। इसे इस तरीके से चम्मच से चलाते रहें ताकि ये नीचे बिल्कुल भी लगेगा नहीं। जैसे ही दूध उबलने लग जाए, गैस की फ्लेम को एकदम सिम कर देंगे और इसे चम्मच से चलाते हुए हमें इसे गाढ़ा करना है। फ्लेम को मीडियम पे करेंगे और दूध को इस तरीके से हर 3 से 4 मिनट में बीच बीच में चलाते रहेंगे और दूध को रिड्यूस होने के लिए छोड़ देंगे। दूध में बीच में जब इस तरीके से मलाई पड़े तो उसे भी हम दूध में मिक्स कर देंगे। इससे दाने एकदम अच्छे बनेंगे दूध के अंदर और जो साइड में लगी है उसे भी खरोच के और दूध में मिलाते जाएंगे ताकि ये साइड में चिपकी नहीं रहेगी। आप चाहे तो दूध को सिम पे कर दें एकदम और इसे अपने आप धीरे धीरे रिड्यूस होने दें और आप अपना दूसरा काम भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं रहती है। दूध हमारा लगभग 1/3 हो गया है, हमें इसे 1/4 तक करना है। अभी लगभग हमारा आधे से भी कम हो गया है दूध और इसमें दाने पड़ने लग गए हैं। दूध थोड़ा गाढ़ा होने लगा है, इस टाइम पे हम इसमें 1/3 कप चीनी डाल देंगे। शक्कर मैंने लगभग 75 ग्राम ली है, आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो इसमें लगभग 100 ग्राम तक शक्कर डाल सकते हैं। चीनी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे दूध के साथ और अब इसे चलाते ही रहें, क्योंकि दूध इस टाइम पे काफ़ी अच्छा गाढ़ा हो गया है तो ये बॉटम में चिपक सकता है, तो इसलिए उसे चलाते रहेंगे 3 से 4 मिनट में। देखिए, दूध एकदम अच्छा गाढ़ा हो गया है और ये इसका कलर भी चेंज हो गया है, हल्का येलो हो गया है और अब इसमें बड़े बड़े दाने भी बनने लग गए हैं। दूध हमारा एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो गया है कुल्फी के लिए। अब इसमें हम 1/4 छोटी चम्मच इलायची पाउडर मिला देंगे। ये ऑप्शनल है, मैंने फ्लेवर के लिए मिलाया। आप चाहे तो रोज़ एसेंस या केवड़ा वाटर कुछ भी आप इसमें मिला सकते हैं। और थोड़े से कटे हुए काजू बादाम मैंने इसमें डाले हैं, ये भी ऑप्शनल है। बिना इसके भी कुल्फी बहुत टेस्टी लगती है और ये डालेंगे तो कुल्फी का टेस्ट और बढ़ जाएगा। बस इस टाइम पे अब गैस बंद कर देंगे और कुल्फी को ठंडा होने के ये दूध को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। दूध का मिक्सचर हमारा ठंडा हो गया है बिल्कुल, इसे 10 से 15 मिनट लगे। फैन के नीचे रख दें तो ये और भी जल्दी ठंडा हो जाएगा। अब हम इसे मोल्ड में भर देंगे। ये मैंने इस तरीके का प्लास्टिक का मोल्ड ले लिया है कुल्फी का, या आप चाहे तो डिस्पोजेबल चाय के जो कप होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी कांच का ग्लास या बाउल हो आपके पास छोटे उसमें भी भर के कर सकते हैं। तो सारे मोल्ड्स में हम कुल्फी का मिक्सचर भर लेंगे और इन्हें सबको रेडी कर लेंगे। अगर आप मोल्ड्स में नहीं भरना चाहते तो आप किसी भी एक बड़े से कंटेनर में या प्लास्टिक के बॉक्स में इसको रख दें और फिर इसे बाद में कट करके भी खा सकते हैं। ये हमने सारे मोल्ड्स फिल कर लिए हैं। अब इसे एल्यूमिनियम फॉइल से या प्लास्टिक की क्लीन रैप जो होती है वो जो भी आपके पास अवेलेबल हो उससे पैक कर देंगे और इन सबको बंद कर देंगे। इसमें एक स्टिक लगा देंगे और इसे ओवरनाइट के लिए फ्रीज करने के लिए रख देंगे। कुल्फी और आइसक्रीम सेट करने के लिए फ्रीज़र का टेम्परेचर हाईएस्ट कूलिंग टेम्परेचर पर रखें। 8 से 10 घंटे बाद आप देख सकते हैं हमारी कुल्फी अच्छे से सेट होके तैयार है बिल्कुल। इसे कुल्फी से डीमोल्ड करने के लिए आइसक्रीम स्टिक ले ली हमने। पहले स्टिक लगा देंगे कुल्फी के मोल्ड में और इसे आप पानी में 5 से 10 सेकंड के लिए रख लेंगे। इससे हमारी कुल्फी बहुत आसानी से निकल जाती है। इसे हाथ में इस तरीके से 3 से 4 बार रोल कर ले और धीरे से आइसक्रीम स्टिक को घुमाते हुए कुल्फी निकाल लेंगे। देखिए कितनी अच्छी मलाईदार एकदम कुल्फी हमारी बनके तैयार हुई है। इसी तरीके से सारी कुल्फियाँ निकाल लेंगे। इस गर्मियों में आप भी इस ठंडी ठंडी कुल्फी को बनाकर ज़रूर इंजॉय करें और कैसी बनी थी मुझे कमेंट कर बताएं। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।